नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जो न्यूज अपडेट्स पर। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, रीट 2022 का पोर्टल एक बार फिर खुल गया है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो 5 जून तक शाम को 5 बजे तक आवेदन कर लें। ऐसा ना सोचें कि हम 5 जून को 12 बजे तक आवेदन करें, क्योंकि हर वेबसाइट अलग होती है। कई वेबसाइट 12 बजे रात तक होती है और किसी वेबसाइट के 5 बजे शाम तक होता है। तो आप लोग 5 बजे शाम तक 5 जून तक हर हाल में फॉर्म फिल कर लें, चाहे वो जूनियर के हों चाहे वो प्राइमरी के हों, दोनों की वहाँ वैकेंसी है। और जूनियर की बात करते हैं तो वहाँ जूनियर की कम से कम 26,000 पोस्ट है, जो सुपर टेट का होगा जनवरी में। और प्राइमरी की जो बात करते हैं, प्राइमरी की लगभग की 16,000 सीटें हैं। प्राइमरी इसलिए कम है कि प्राइमरी की भर्ती भी हो चुकी थी जो पिछली वैकेंसी हुई थी, और जूनियर की भर्ती जो हुई थी रद्द हो गई थी, इसलिए पिछड़े जाते हैं। तो वैसे भी जो भी भर्ती हैं, अभी तक फार्म छूट गया था, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, वो वहाँ कर, क्योंकि राजस्थान में अभी तक CMP में अदर राज्य वालों को 5% बुलाता है, लेकिन राजस्थान में क्या है, अभी तक वो अदर स्टेट वालों को सामान्य पूरा क्वालिफाई कराता है। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट SC ST OBC जो भी यहाँ के हैं वहाँ सामान्य फार्म अप्लाई कर दें, और एक गोल्डन चांस है। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के पुराने छात्र अगले बार जो एग्ज़ाम दिए थे जूनियर का, चाहे BTC हो चाहे BEd के हों, वो भी फार्म को फिल कर सकते हैं, उनका पेमेंट नहीं लगेगा। हालांकि उनका बस चालान नंबर उनको दिखाना पड़ेगा, वो आपको रोल नंबर से निकल जाएगा। आपके पास अगर रोल नंबर है उस समय का जूनियर का, तो उसी रोल नंबर से आपका चालान नंबर निकल जाएगा। जिनके पास नहीं है दोबारा फार्म फिर से भरे हो। तो ऐसे में ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी मौका है, अगर छूट गए हो, उनसे भूल हो गई हो, तो भी फार्म को पोर्टल को एक बार खोल के भर सकते हैं 5 जून को लास्ट शाम 5 बजे तक। आइए आपको फार्म ओपन करके दिखाते हैं कैसे फार्म भरा जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थान प्राइमरी अपर प्राइमरी रीट ऑनलाइन फार्म यहाँ सब दिया गया है। और यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, जो डेट यहाँ पे लिखा गया है कि जो लास्ट डेट है 5/6/2022, इसकी डेट बढ़ाई गई है। और पेमेंट के भी आपकी 5/6 तक है, ऐसा नहीं कि दोनों का अलग डेट है। और जो पहले था 27 मई तक का, बाद में इसको बढ़ा दिया गया है। और एग्ज़ाम डेट आप जानते हैं 23-24 जुलाई को है, हालांकि 24 जुलाई को लेखपाल का भी यहाँ एग्ज़ाम योगी जी साठ दिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि BTC वाले दोनों फार्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए दोनों व्यवस्था है। और BEd के लिए बस मान ली जूनियर की है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अप्लाई लाइन अप्लाई आने को क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का आपका फार्म एक तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है Level 1 और 2 रीट सैंपल इंस्ट्रक्शन फॉर रीट 2022। इस प्रकार से आप इस पर Level 2 है, Level 1 जैसे Level 2 है, Level 2 आप क्लिक कर लीजिए, आपका ये खुल के आ गया। यहाँ फिर ओके कर दीजिए, ओके किए आप यहाँ पे खुल गया। प्लीज़ सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट में आपको दिखाना है न्यू कंडे पुराने हैं। आप अगर ओल्ड करेंगे तो आपको चलान में जरूर न्यू भरना है, न्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे न्यू पर क्लिक करिए, आपका यहाँ अभ्यर्थी नाम मांगा, नाम में आप कोई डाल दीजिए, आप कुछ भी नाम भर सकते हैं। रवि डालना है रवि डाल दीजिए, काम ख़त्म हो गया इसका। इसके बाद आपका फादर नाम है, फादर नाम में कोई भी डाल दीजिए, आप राजेश डाल दीजिए, ये पड़ गया आपका राजेश हो गया। मदर नाम है आपका, मदर नाम है आप कुछ भी डाल दीजिए, मदर नाम आपका पड़ गया हो गया। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप डाल सकते हैं, आपको बस दिखाना है एक तरीके से, और क्या आप इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ये डाल दीजिए, ईयर आपका 19 बजे डाल दीजिए, ठीक। मोबाइल नंबर आपका है, यहाँ आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको डालना है, 10 अंकों में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका है मोबाइल नंबर हो गया, ठीक। इसके बाद आपका प्लीज सेलेक्ट ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ऑफलाइन मोड यहाँ दिख रहा है, ऑफलाइन मोड करना है। यहाँ बैंक क्लिक करेंगे, ई मित्रा बैंक आपको दे रहा है। इसके बाद आप सबमिट और पे कर देंगे, जैसे सबमिट और पे करेंगे इस प्रकार से आपका घूम घूम के भी आपका चलान फार्म निकल जाएगा। और उस चलान फार्म को आप लोग पता कर लीजिए, साबित कैफे से अगर हो जाता है ठीक है, नहीं आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से आप उसको मोहर लगवा के आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा साइड थोड़ा सा बेस्ट चल रही है, इसीलिए भी थोड़ा सा सर्वर घूम रहा है, और जैसे साइड सही होती है तो अभी खुल जाएगा। इसके बाद आपको चलान नंबर निकलेगा, इसी बाद आपको आपको इतना भरने के बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे आपको 550 का पेड करेंगे या दोनों को भर रहे हैं आपको, तो दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो
पूरा डिक्लेरेशन उसके बाद भरना पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हो पूरा एक बार नोटिफिकेशन देख के तब फार्म भरें, क्योंकि आपका पैसा पहले कट जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि पैसा आपका बाद में कटेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हो जो उनका छूटा हुआ हो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, वो फॉर्म को फिल करें। और ख़ास करके जूनियर वाले, क्योंकि जूनियर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ भर्ती है, जूनियर के लिए कम से कम 26,000 पोस्ट है। और जैसा कि प्राइवेट आएँ कि प्राइमरी के लिए आपका 16,000 लमसम पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपकी देखते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी 46,000 समथिंग है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी नौका, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में प्राइमरी की भर्ती आने वाली है नहीं, प्राइमरी जूनियर की। जैसा कि बजट पेश हुआ उसके बाद जो विपक्ष के नेता सवाल किए मंत्री जी से, जो बेसिक मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्राइमरी में अनुपात 26 एक टीचर का है, यानी 26 स्टूडेंट पे एक टीचर का है। तो इस प्रकार से आप लोग जान लीजिए कि हाँ भर्ती आने वाली असंभव है, संभव तो बात छोड़ दीजिए। बस जो बीएड की है उनके लिए एक टीजीटी पीजीटी उनके लिए आ सकती है, क्योंकि वो जैसे आ चुका है। और बीटीसी या जो डीएलएड की है उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि अब प्राइमरी भर्ती आना मुश्किल है। दोस्तों इस कारण सर्वर घूम रहा है, अब जान लीजिए कि एक चालान फार्म निकलता है और उसके बाद होगा। तो अब ये पता नहीं कब तक तो घूमेगा। देखिए ये आपका फेल हो गया, यानी कि अब आपका ये सबमिट नहीं हुआ। इसको शायद दोबारा फिर से करें आप, देखें अगर शायद हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई नहीं है। तो इसका देखिए हो नहीं रहा, यानी कि सर्वर की प्रॉब्लम है। अभी आपका दोबारा फिर इसको आप भर देंगे, भरा हुआ है चल जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों, और इसमें आपको जैसा भी आपको करना है, बैंक जाके आपको अगर करना है लेवल 2 में करना है, दोनों में करना है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को इसको फिल कर दें और इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।